अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। ओम नमः शिवाय। शत्रु चूड़ामणि नाम के ग्रंथ, राजा सत्येंद्र विरक्त हो गए थे, वैरागी हो गए थे और दीक्षा उनके माध्यम से ली जा चुकी थी और दीक्षा लेते ही उनकी हत्या हो गई और राजा सत्येंद्र स्वामी की हत्या के तुरंत बाद जगत जन्म में जो चर्चा चलने लगी, वैराग्य की चर्चाएं, तो सब चर्चा कल हमने यहाँ देखी है। यहाँ कल राग संबंधी क्रूरता की बात कही थी, अब यहाँ भोग में आसक्त मनुष्य सूकर के समान हैं ऐसा कह रहे हैं। मतलब बहुत कैसे शब्दों के प्रयोग हैं, देखिए आप, स्त्री के भोग में आसक्त मनुष्य सूकर के समान, 93 नंबर का श्लोक, नारी जननरंध्रत विनुक्रमय चरणां वराह इह निंभक्षी हंत मूढ़ सुखायते। खेद है मूर्ख जन स्त्रियों की जमाओं के छिद्र में स्थित मलमूत्र से भरे हुए चमड़े से विष्ठा खाने वाले सुखर की तरह सुखी होते हैं। वो जो सुखर सुअर विष्ठा सेवन करके जिस तरह से अपने आप को सुखी मानता है, ये जगत जनों की, ऐसे भोग में आसक्त लोगों की इस दशा का चित्रण यहाँ किया है। देखिए सरल अर्थ में क्या कहते हैं ये बात, विवेकी जन अर्थात विरक्त महापुरुष स्त्री नंपटी लोगों के संबंध में अतिशय खेद व्यक्त करते हैं। मूर्ख मनुष्य मलमूत्रादि से भरे हुए, यहाँ मलमूत्र बहते हैं, ऐसे स्त्री के गुप्तांग में विलास कर विष्ठा खाने वाले, विष्ठा लेट्रिन पॉटी खाने वाले सुकर सुअर के समान अपने को सुखी मानते हैं। विशेषार्थ में क्या लिखा, यहाँ कोई शंका कर सकता है कि आचार्यों ने नारी के प्रति ऐसी भीभत्स और लज्जास्पद शब्दों का प्रयोग क्यों किया। समाधान, आचार्यों ने जैसा सत्य स्वरूप है वैसा ही तो कहा है, कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा है, वस्तु स्थिति का सही निरूपण किया है। रागी जीव को यथार्थ निरूपण अच्छा नहीं लगे तो आचार्य श्री क्या करें, उन्होंने तो राग चुड़ाने के लिए इस प्रकार की बात कही, उन्होंने तो विरक्ति और वैराग्य के लिए इस प्रकार की बात कही। वे तो करुणा बुद्धि से अज्ञानी का कुल स्थान से जुड़ा हुआ अनुचित राग नष्ट हो, सब जीवों का कल्याण हो, इस मंगलमय भावना से लिखते हैं। हमें ग्रंथकार के अभिप्राय को समझने का प्रयास करना चाहिए। राजा सत्येंद्र जैसे कामंद लोग आज भी कुछ कम नहीं है। देखो फिर, स्त्री सेवन से उत्पन्न सुख अविचारित रम्य, बिना विचार किए हुए रम्य लगता है, ऐसी बात ये यहाँ कह रहे हैं। किम की दृश्यम कियत विचारे सती दुसहम, अविचारित रम्यम ही रामा संपर्क जम सुखम। अविचारित रम्यम, ये एक बहुत सुंदर सूक्ति है, आपने पढ़ी पहले कभी, अविचारित रम्यम, बिना विचार किए हुए अच्छा लगता है। अविचारित रम्यम मतलब जैसे दूर के ढोल सुहावने, अविचारित रम्यम मतलब बिना विचार करे तो आपको लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जैसे ही थोड़ा सा विचार करो तो आपको लगेगा खुदा पहाड़ निकली चुहिया, चुहिया भी नहीं निकली क्या। अविचारित रम्यम, बिना विचार किए हुए अच्छा लगे, नीतिकारों की बात कह रहे हैं यहां। स्त्री के संग से उत्पन्न सुख क्या है, कैसा है, कितना है, कहाँ है,
ऐसा विचार करने पर दुस्सह हो जाता है, वह सुख निश्चय से बिना विचार के ही सुंदर प्रतीत होता है। थोड़ा भी विचार करे तो सच में यह सुख सुख नहीं दुख है, ऐसी बात हमारे समझ में आएगी। देखिए, स्त्री सेवन से उत्पन्न प्राप्त होने वाला सुख क्या है, कैसा है, कितना है, कितने काल तक टिकने वाला है, कहाँ अर्थात किस जगह है, किस प्रकार सोचने पर विचार करना दुस्सह हो जाता है। विचार ही नहीं कर पाते है का आखिर सुख, भ्रमजनित सुख सुख दिखाई दे रहा है, वास्तव में तो सुख है ही नहीं। अतः स्त्री जन्य सुख वास्तविक विचार न करने पर ही सुखद भाषित होता है। ये सारी चर्चा राजा सत्येंद्र के संदर्भ में कही जा रही है, जो राजा सत्येंद्र ने अपने प्राण भी गंवाए और राज्य भी गंवाया, रानी के चक्कर में उलझ कर और जगत जन प्रजा के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इतना समझदार होकर के कहां फंस गया, कहां उलझ गया। देखो विशेषार्थ, मनुष्य स्त्री से विरक्त हो इस पवित्र भावना से यहाँ आचार्य श्री ने स्त्री में आसक्त मनुष्य से प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों पर मन ही मन में विचार करें तो स्त्री विषयक राग स्वयं ही घटे बिना नहीं रहेगा। ये विचार वास्तव में ही असह्य है। इन प्रश्नों के जवाब अपने मन में यदि देने का प्रयास करेंगे तो आप समझेंगे सच में कि वास्तव में सुख नहीं, सुखावास मात्र है, वास्तव में ये दुख ही देने वाला है। आचार्य कुलकुल स्वामी ने बहुत चर्चाएं की प्रवचन सार में, जहाँ उन्होंने शुभ परिणाम अधिकार लिखा, वहाँ उन्होंने शुभ शुभभाव अधिकार की जहाँ चर्चा की है पहले ही प्रथम महाअधिकार में, वहाँ वे कहते हैं इंद्रिय सुख वास्तव में सुख है ही नहीं, ये तो दुख ही है, ये विषम है, ये बाधा सहित है, ये बंध का कारण है, ये परतंत्र है, ये विच्छिन्न है, ये सुख नहीं दुख है। ऐसी सब बातें विचार करने पर आप महसूस कर पाएंगे। आगे देखिए, जिज्ञासु का गुरु से प्रश्न क्या कह रहे हैं। निवारिताप्यकृत्येष्यान्निष्फला दुष्फला च धीर् कृत्ये तु नापि यत्नेन कोत्र हेतुर्निरूप्यताम्। अन्वयार्थ क्या कह रहे हैं, बुरे काम में निवारण किए जाने पर भी बुद्धि फल रहित और बुरे फल वाली होती है, किंतु अच्छे काम में प्रयत्न से भी प्रवृत्ति नहीं होती, कहो इसमें क्या हेतु है। ओ क्या प्रश्न किया है, समझ में आया प्रश्न क्या है, नहीं आया समझ में। ये कह रहे हैं बुरे काम के बारे में लोगों को खूब निंदा करें, बुराई करें, उसके लिए मना करें तो भी लोग उससे विरक्त नहीं होते खोटे काम से, और अच्छे काम के लिए बहुत प्रशंसा करें, प्रेरणा देवें, प्रेरित करें तो भी लोगों की प्रवृत्ति नहीं होती, तो भी वो काम लोग नहीं करते, इसका क्या कारण है। आप ऐसे प्रश्न रहते हैं कई बार, आखिर क्या कारण है। बिना सिखाए ही विषयासक्त होते हुए दिखाई देते हैं, विषयों में आसक्त होते हुए, विषयों में फंसते हुए ये जीव दिखाई देते हैं। मुझे वो याद आती है विषयासक्त जीवों के संदर्भ में वे पंक्तियां, बुद्धचंद जी की पंक्तियां हैं, क्या बुद्धचंद जी की नहीं, बुधरदास जी की पंक्तियां हैं। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोग लाज गवाई, क्या सच सुना है बहुत लोगों ने। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोग लाज गवाई, सीख बिना नर सीख रहे विषयादिक भोगन की सुधराई, और तापर और रचे रस काव्य का कही है तिन की निठुराई, अंध असुजन की अखियन में झोंकत है रज राम दुहाई। 400 साल पहले लिखी हुई पंक्तियां हैं, लिपि
400 साल पहले इन पंक्तियों को लिखते समय बुधरदास जी के मन में कैसी भावना होगी। ये सारा जगत राग के उदय से पंचेंद्रीय विषय भोगों को भोगने के लिए मानो अंधा हो रहा है। सारा जगत अंधा है, कुछ होश नहीं है। तो लाज शर्म सब छोड़ दिए, 400 साल पहले की बात कह रहे हैं। आज का तो जमाना कहाँ क्या हो गया है पता नहीं क्या। आज के जमाने में तो समझो आप, ये महिला संगीत जैसे होते हैं, भरी सभा में आए दिन आते रहते हैं ऐसे मैसेज। वो दूल्हा दुल्हन नाचते हैं स्टेज पर चढ़ करके और सबके बीच में, मैंने वो सारी की सारी लाज शर्म और वो सब हो गई है। पूरे में ही भांग पड़ी है, क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते हम आज की दशाओं के बारे में। आज की जो चलने वाली जो पिक्चरें हैं, जो टीवी सीरियल्स हैं, ये क्या दिखाते हैं, अब मतलब कितना परिवर्तन दिखता है आज के 40 साल पहले की मूवी और आज की मूवी। इन दोनों पिक्चरों में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको, दिखाए जाने वाले दृश्यों में। लोग आपको समय के अनुसार बदलने के लिए नहीं कहते, देखो क्या कह रहे हैं, समय के अनुसार बदलो, यही तो हम कह रहे हैं। अब बाल सफेद हो चले अब भी नहीं बदलोगे क्या, समय के अनुसार बदलो क्या हम भी तो यही कह रहे हैं। अब इतना समय आ गया है, अब तो बदलो भाई साहब। समय इतना विकराल आ गया है कि घर से निकले और जीवित वापस लौट करके आ जाए बिना दुर्घटना के, अब तो समझो समय के अनुसार बदलना चाहिए, अब तो वैराग्य आना चाहिए। देखो 40 साल पहले की मूवी और आज की मूवी का अंतर बतलाया मैंने, ये 400 साल पहले की बात लिखी है रागी जीवों के संबंध में। 400 साल पहले भी है ये, मतलब टीवी नहीं थी, पिक्चर नहीं थी, लेकिन सोच तो थी, विषय कषाय के परिणाम तो थे जगत के जीवों में, और नाटक तो चलते थे, रंगमंच तो चला करते थे, और राग रंग से भरी हुई विषय कषाय पोषक पंक्तियां तो लिखते थे कवि लोग, श्रृंगार रस की कविताएं क्या, हाँ सब होता था ना। तो उनको देख करके क्या लिखा उन्होंने, राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई। सारे जगत अंधा हो गया है राग के उदय में और लाज शर्म खो बैठा है। राग उदय जग अंध भयो सहजे सब लोगन लाज गवाई, और सीख बिना नर सीख रहे, बिना सिखाए विषय भोगों को भोगने की कला सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को उपदेश देने की जरूरत नहीं है। सीख बिना नर सीख रहे विषय अधिक भोगने की सुधराई। और अंतिम दो पंक्तियां क्या लिखते हैं वे, तापर और रचे रस काव्य, उन कवियों के संदर्भ में लिखा उन्होंने। तो सारा जगत अंधा है, सारा जगत विषय कषायों में फंसा है, डूबा है, मरे जा रहा है, लाज शर्म खो बैठा है, और उसके बावजूद भी इन कवियों को देखो, तापर और रचे रस काव्य का कही है दिन की निठुराई। अंधे लोग हैं, असूझन, पहले जगत के प्राणी अंधे हैं जिनकी आंखों से कुछ सूझता नहीं है, और फिर ये क्या काम कर रहे हैं उनकी आंखों में, झोंकते है रज राम दुहाई। थोड़े बहुत अंधापन होने पर भी जो थोड़ा बहुत प्रकाश और झलक, थोड़ी बहुत ऐसा चिल्का दिखता है जिसके माध्यम से अपना काम कर सके, तुम उसमें भी धूल झोंकने का काम करते हो, ये कैसी दशा है। आज के समय में यदि वे लिखते तो शायद उनके पास में शब्द ही नहीं होते, हम क्या लिखें, ये कैसी दशा है, कैसी कैसी दशाएं आ गई है। आए दिन यद्यपि समाज सुधारक लोग इन दिशाओं में भी कलम चलाते हैं और लिखते हैं, और अनेक प्रसंगों पर आपको इस तरह के मैसेज भी सुनने पढ़ने देखने को मिलते हैं। प्री वेडिंग शूट के संबंध में भी एक बहुत सुंदर आलेख आया था, और बहुत सुंदर लिखते हैं लोग, आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, लेडी संगीत के नाम पर महीनों महीनों तक चलने वाली प्रैक्टिस, और अन्य मतावलंबी लोग आते हैं और वो आपको हाथ पकड़ करके आपके कमर घुमा करके आपको नचाते हैं, और क्या क्या हो रहा है ये सब, ना मालूम क्या चल रहा है। चलो खैर जो भी है स्थिति, ये सब उसका निषेध करने के लिए कह रहे हैं यहाँ। अब देखो ये बात अच्छा।
अच्छी बात कही जा रही है ना, लेकिन इस अच्छी बात का असर नहीं होता। सुनो, ये लाइनें हैं यहाँ, ये जो वाजिद सिंह सूरी आचार्य कह रहे हैं, ये प्रश्न किया है जिज्ञासु ने, प्रश्न किया है किससे, अपने गुरु से प्रश्न किया कि गुरु जी एक बात समझ में नहीं आती, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बतलाते हो और उसके बावजूद सुनने वाले लोगों को बार बार कहने पर भी सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं, और जो लोग इधर उधर की बातें करें और फंसाने वाले ठग लोग हों उनको हजारों लोग मिल जाते हैं, लाखों लोग मिल जाते हैं। ये क्या चक्कर है? अच्छी बातों को लोग स्वीकार नहीं करते और खराब बातों को बिना समझाए बिना सिखाए लोग स्वीकार कर लेते हैं। आखिर कारण क्या है? ये बात इस श्लोक में कही गई है। चलें, क्या कह रहे हैं? किसी पाप कार्य में मेरी बुद्धि ना लगे, मन में ऐसा विचार करने पर भी बुद्धि असफल होती है, माने बुद्धि असफल हो जाती है इसमें, मेरा उपयोग नहीं लगे, लेकिन क्या करूं, बार बार विचार करने पर भी बुद्धि को कमजोर महसूस करता हूं क्योंकि पाप की तरफ उपयोग चला जाता है, अर्थात पाप कार्यों में बुद्धि लग ही जाती है। क्या पाप कार्यों में बुद्धि लगी जाती है? दस लक्षण पर्व आने वाले, भाद्र मास तो चल ही रहा है, सोलह कारण पर्व तो चल ही रहे हैं, कैसे बिताएंगे आप? एक मैसेज डाला था मैंने, जैन पाठ चला पिड़ावा की पंक्तियां कुछ, आप कैसे मनाएंगे? आप कैसे संयम से दस लक्षण पर्व को बिताने की भावना भाते हैं? बोलो, क्या क्या भावनाएं, किस प्रकार त्याग, किस प्रकार संयम, किस प्रकार वैराग्य से आप अपने दस लक्षण पर्व को बिताएंगे? धर्म ज्ञान से, भक्ति से, प्रवचन सुनकर, स्वाध्याय करके, अधिक से अधिक ये जैन धर्म क्या है इस बात को समझकर, यदि नहीं करते हैं तो फिर कुछ सार्थकता नहीं। ऐसे तो पर्व बहुत आ गए जीवन में, हमारी जितनी उम्र है उससे तीन गुना ज़्यादा बार दस लक्षण पर्व आ चुके अपनी लाइफ में, साल में तीन बार आते हैं, साल में तीन बार दस लक्षण पर्व आते हैं तो कितने साल की हो गई है? 50, 150 दस लक्षण पर्व आ गए आपकी लाइफ में। बोलो, लेकिन क्या है दस लक्षण पर्व, क्या है दस लक्षण का मर्म, क्या है जैन धर्म? सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्धो सी सभी की आत्मा, सिद्ध सी सभी की आत्मा। सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सोचो जरा, सोचो तो सही, सोचने के लिए सारी बातें। देखो, बुद्धि पाप में लगी जाती है, क्या करें? इतना ही नहीं, बुद्धि विपरीत फलदात्री भी होती है, परंतु पुण्य कार्यों में प्रयत्न करने पर भी, पुण्य कार्यों में प्रयत्न करने पर भी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती, इसमें क्या कारण है स्पष्ट समझाइए। हम आपको रोज रोज कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं प्रवचन के लिए समय से जल्दी आया करो, जल्दी आया करो, और सोचते भी हैं कि कल जल्दी आऊंगा, लेकिन फिर क्या हो जाता है? फिर उसी में उलझ जाते हैं। यार आप इतनी छुट्टियां क्यों करते हो आप? कि नहीं नहीं अब रेगुलर आऊंगा, अब रेगुलर, मैं सोचता भी हूं लेकिन फिर, ये क्या होता है? मैं बहुत सोचता हूँ, सुबह 5 बजे उठ करके, सुबह 4 बजे उठ करके, हमारे पिताजी तो 3:45 पे उठते हैं रोज सुबह, इतना जल्दी उठ करके स्वाध्याय करूंगा, पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सोचता तो बहुत, लेकिन फिर नहीं कर पाते। ये क्या हुआ, ये क्या चक्कर है? ये प्रश्न है शिष्य का। ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं, जिज्ञासु अपनी बात को और स्पष्ट करता है। लो, अभी समाधान नहीं है, अभी तो जिज्ञासु की चर्चा चल रही है। चलो पढ़े, देखें क्या कहते हैं जिज्ञासु के माध्यम से। निश्चित्याप्य रहे त्वं दुश्चित्तानां निवारणे येनात्मन निपुणो नास्ति तद्धि दुष्कर्म वैभवम्। हे आत्मन, बुरे मानसिक विचारों को
पाप का कारण निश्चित करके भी जिस कारण से तू निवारण करने में समर्थ नहीं होता है, निश्चय से यह बुरे कर्मों का ही प्रभाव है। वो खुद ही कह रहा है। मैंने बार बार में सोच करके भी यदि मैं बुरे कर्मों से, खोटे कार्यों से विरक्त नहीं हो पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा किए गए ये खोटे कार्यों का ही यह प्रभाव लगता है। देखें जरा क्या कह रहे हैं, सरल अर्थ में क्या बात कही जा रही है। हे भगवान, मन में बुरे विचार उत्पन्न होना पाप का कारण है। पाप का कारण है बुरे विचार उत्पन्न होना। देखो कहीं भी आपने ध्यान दिया होगा, जहां भी चर्चा कर रहे हैं, ये प्रवृत्ति की तुलना में मानसिकता पर विशेष बल देते हैं। इसका मतलब शरीर की क्रिया और बाहर से होने वाली प्रवृत्ति, वो सब जड़ की क्रिया है, उसका कर्ता धर्ता तू नहीं है, लेकिन उस प्रवृत्ति के साथ में चलने वाला जो परिणाम भाव है, उन भावों का कर्ता तू है, वो तेरा अपराध है। इसलिए भावों को संभाल, संभालने की बात कहते हैं, अपने विचारों को संभालना, अपने भावों को संभालना। हे भगवान, मन में बुरे विचार उत्पन्न होना पाप का कारण है। ऐसा निर्णय होने पर भी जीव उनका निवारण, निराकरण करने में समर्थ नहीं होता। ऐसा विचार करने पर भी ये पाप का कारण है, ये विचार नहीं आने चाहिए, ये खोटे भाव है, नहीं होना चाहिए ऐसा, ऐसा निर्णय होने पर भी बोलो चोरी का भाव आ जाता है, कुशील का भाव आ जाता है, हिंसा का भाव आ जाता है, ये मर क्यों नहीं जाता, मारने का भाव आ जाता है, ये मच्छर खत्म कर देने चाहिए। ये क्या करती है ये नगर निगम, कुछ करती नहीं, कितने मच्छर हो रहे हैं, पूरे नगर के मच्छरों को मारने का ठेका इसने ले रखा है, ये कैसे कैसे परिणाम कर लेता है, सब खत्म हो जाने चाहिए, बारे का एक भी मच्छर नहीं, क्या अभाव ऐसा करना है, खत्म कर देना चाहिए सब, कुछ तो करना चाहिए इनको, कितने मच्छर, कितनी बीमारियां फैल रही है। अरे भैया तू क्यों खोटे भाव कर रहा है, कसाईयों जैसे भाव क्यों करता है, ये हिंसक परिणाम क्यों आ रहे हैं, ये हिंसक परिणाम निश्चित रूप से हमारे लिए अशुभ का संकेत देने वाले हैं। ऐसा विचार करके अशुभ भावों से, पाप भावों से विरक्त होने का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षा है, ऐसा निर्णय है कि नहीं, आपको बोलो क्या कहना है, निर्णय है ना हमारे को, पक्का निर्णय है साहब, पक्का भरोसा है, सही कह रहे हैं आप। बहुत बार ऐसा होता है हमारे मन में ऐसा भाव आता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत काम है, मैं हरगिज नहीं करने दूंगा, ये काम तो हरगिज नहीं होगा, और फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि खुद ही उस काम को करने के लिए पड़ जाता है, ये क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये कह रहे हैं ऐसा निर्णय होने पर भी जीव उनका निवारण, निराकरण करने में समर्थ नहीं होता। मैं तो निश्चय से इसका कारण दुष्कर्मों का प्रभाव ही मानता हूं, अर्थात कर्म ही बलवान है। ये शिष्य की जिज्ञासा है, ये जिज्ञासु का प्रश्न है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कर्म ही बलवान है, ये कर्म बहुत पावरफुल है, ये कर्म बहुत ताकतवर है, मेरे नहीं चाहते हुए भी मेरे द्वारा ये काम इन कर्मों ने करा दिया है। जवाब तो गुरु देंगे। अभी तो जिज्ञासु अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहा है कर्म के बलवानपने के संदर्भ में, बलवान कर्म है या बलवान आत्मा है, कैसा स्वरूप है, इसके संदर्भ में भी आपको जानना हो तो कल ठीक 9:15 बजे चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आज पहले प्रवचन में थोड़ा मैंने समय ज़्यादा ले लिया था, इसलिए इस दूसरे प्रवचन को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी को विलम्ब ना हो, यही काम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री रमेश चंद जी, श्रीमती मनोरमा जी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती रंजना जी, श्री ऋषभ एवं अवनी जैन, महावीर नगर, जयपुर, राजस्थान। अंतर्राष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, USA, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले,
पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म।